बिगाड़ रहे हो मेरा, आ रहे हो, खराब मत करना। आ रहा यार, चलो स्पून से इसके और ये दीपक मैं अब जा रही हूँ लगाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। तो ये सारे दीपक जो मैंने भिगोए थे, इन भिगो करके रखा था, वो सब अब सूख गए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ दीपक की तैयारी करने के लिए। पहले हम लोग जो है भी दीपक पूरे घरों में जला लेंगे, भगवान जी को सबसे पहले दीपक, यहाँ मंदिर एक पास में उसके पास दीपक जला लेंगे, पूरे भगवान जी को जला लेंगे, पूरे घरों में जला लेंगे, तब पूजा करेंगे। और ये देखिए अभी थोड़ा शाम का टाइम हो गया था और बच्चों ने जो है वो लोग बैठ के नहीं खा, बैठ गेंदे से खेल रहे थे, तो उन्होंने उससे मार मार करके मेरी रंगोली की क्या हालत बना रखी है। तब देख करके मैं क्या बताऊँ, मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूँ, क्योंकि टाइम तो नहीं था, फिर वही दीपक जलाने का टाइम होने ही वाला था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उन लोगों की वजह से मैंने जो है सिंपल सी रंगोली बनाई थी और उसको भी उन लोगों ने ख़राब कर दिया, तो यही मैं सोचूँ क्या करूँ कैसे करूँ। तो ये थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि बस थोड़ा बहुत, मतलब जैसे एक सीप जैसे स्वास्तिक का सीप दे करके वो बन जाए, ताकि जो है हम लोग इसमें जो है फिर से जो है दीपक जला सके। तो वही मैं इसको जो है बनाने की कोशिश कर रही हूँ रंगोली को। और अभी हमने जो है बिगड़ी हुई रंगोली सही करके कर दिया है, थोड़ा बहुत जैसे भी हो सकता था। और अभी देखिए उसमें मम्मी जो है मेरी दीपक रख रही हैं, तो वही अब इसमें भी दीपक रखा गया, अब सारे घरों में भी दीपक हम जलाते हैं। तो देखिए हमने जगह जगह जो है दीपक जला दिया है, और भी जगह जो है दीपक हमने जला दिया है। दीपक बेबीज की वजह से हम लोगों ने कम लगाए हैं, क्योंकि ये लोग पूरे दीपक जो है खाने लग रहे थे बाहर, और देखिए इसलिए लगा हुआ ये पूरे बाहर जो हमारा रूम है उसमें भी हम लोगों ने दीपक जो है लगा रखा है। ये जो है अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तो अभी हमने नहा लिया है। और ये जो है पैर जो है मेरी मम्मी जो है पैर को रंग रही है, मतलब क्या बोलते हैं महावर उसको लगाना बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं, हमारे घर में हनुमान जी को ज़्यादा माना जाता है, तो माँ लक्ष्मी इसमें मतलब सारे ही सभी देवी देवताओं की लगभग मुस्लिम मूर्तियाँ हैं। तो ये मेरी मम्मी आरती कर रहे हैं, तो ये भगवान जी को हम लोग और बेबीज जो हैं ये लोग वहीं पर जा कर के खड़े होकर के दिया वगैरह पकड़ रहे हैं, तो ये सब तो यहाँ पर भी परेशान कर रहे हैं। तो अभी देखिए हम लोग का पूजा हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। हट जा हट जा हट जा, बस आओ वाला जो नहीं एक चला है, वो एक जो जला नहीं था। तो अभी हम लोगों ने सब पूजा वगैरह सब ख़त्म कर लिया है, और अभी रात को बज रहे हैं 11:30।
और सब मतलब सारा ही काम जितना भी होता है, खाना पीना और बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं, सारा काम फिनिश हो गया है, बेबी जो है सो गए हैं। और अभी देखिए क्या हालत हो गई है मेरी काम काम कर करके। तो वही है, बेबीज की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम हो गई है। मतलब वो मुझे रंगोली तक भी नहीं बनाने मुझे दे रहे थे, फिर किसी तरह जा कर के मैंने रंगोली बनाया था, फिर उसमें भी उन लोगों ने ख़राब कर दिया था रंगोली को। तो फिर से हमने जो है सिंपल ही रंगोली फिर जा कर के ये मतलब उसमें ही थोड़ा सा रंगोली में मतलब बिगाड़ दिया था उन लोगों ने। तो उसमें ये थोड़ा सा मतलब मैं क्या अरेंज करके उसी में जो है मैंने बनाया रंगोली। अभी तो रात को 11:30 बज गए हैं और वो लोग सो रहे हैं, और तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा इधर वीडियो क्लिक कर लेती हूँ। तो यह ब्लॉग का एंड भी मैंने नहीं किया था, तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड भी हो जाएगा। ये देखिए मैंने साड़ी सिल्की साड़ी पहन रखी है, अभी तो मतलब ये ख़राब हो गई है, इसकी पहने थे तो थोड़ा अच्छे से पहने थे, अभी थोड़ा बर्तन धुलना और खाने वगैरह फिर ये सब करने में ना साड़ी भी बिगड़ गई मेरी। तो अभी देखिए बाल वगैरह भी कैसे हेयर स्टाइल हम बनाए थे अभी कैसे सब निकल गया है। तो वही अभी तो देख करके लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा थकावट है मुझे। तो फिर अब जो है सुबह उठना भी है, क्योंकि वो होता है ना दरिद्र महाराज को खदेड़ा जाता है घर से, मतलब दरिद्र को घर से निकालते हैं, जी भी मुझे ज़्यादा नहीं पता है, मैं बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि ये होता है और ज़्यादा मुझे नहीं पता है उस बारे में। तो सुबह 5 बजे तो उसके लिए उठना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं उठती हूँ 10, अरे सॉरी, अदरवाइज मैं 8 बजे उठती हूँ, 7-8 बजे उठती हूँ, क्योंकि वही 11-12 बजे सोना होता है, तो फिर उतनी टाइम को मैं उठती हूँ। तो अभी वही है ना कि मतलब बेबी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, वो लोग मुझे रंगोली भी नहीं बनाने दे रहे थे, तो किसी तरह रंगोली बन गया, किसी तरह दिवाली बीत गई। आप सभी लोगों को फिर से हैप्पी दिवाली, और दिवाली बहुत अच्छे से बीत गई है। तो ये बीबी तो शाम को सो भी गए थे, तो अभी वो लोग बहुत ज़्यादा अभी वो लोग सो गए हैं, क्योंकि लोग जब भी शाम को सो जाते हैं तो फिर यही होता है कि इन लोगों का मतलब कि फिर रात में फिर लेट ही लोग सोते हैं। अदरवाइज ये लोग सो जाते हैं 9:30-10 बजे तक तो सो ही जाते हैं, लेकिन अगर ये लोग शाम को अगर सो गए तो मुझे देख नींद आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। तो इन लोगों का वही होता है कि फिर लेट ही सोते हैं। तो चलिए अब मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ऐसे ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट ब्लॉग में।